please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, तो हमारे चैनल पर दोस्तों 200K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आप सभी का कारण ही ये हमारे चैनल पर 200K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकूं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन पर हम लोग एडोबी फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से स्टैम्प लोगो क्रिएट करना सीखेंगे, स्टैम्प लोगो के लिए कितना साइज होना चाहिए, वो सब मैं आगे इस वीडियो पर बताऊंगा। दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा पास फोटोशॉप CS3 का वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का फोटोशॉप है भी, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर स्टैम्प के लिए लोगो डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है। तो पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली कंट्रोल एन कीबोर्ड का बटन प्रेस करना है, या फिर आपको फाइल पर जाकर न्यू के अंदर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक न्यू का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर साइज देना है दोस्तों स्टैम्प लोगो के लिए, यानी कि रबर स्टैम्प लोगो होता है ना, उसी लोगो का साइज होता है दोस्तों 1.5 इंचेस और 1.5 इंचेस हाइट और वेट इंचेस पर होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर रेजुलेशन 600 रखना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर RGB कलर और CMYK जो भी कलर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं RGB कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट वाइट ही होना चाहिए। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके का यहाँ पर एक पेज क्रिएट होकर आ चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर लोगो डिजाइन करना है। मैं यहाँ पर सिंपली स्कूल के लिए एक यहाँ पर लोगो डिजाइन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंट्रोल आर यानी कि इस तरीके से रूलर आपको ओपन करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए रूलर कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद ये रूलर ओपन होता है। तो उसके बाद इस तरीके से रूलर आपको यहाँ पर सेंटर पर ये एक यहाँ पर गाइडलाइन लेकर आना है। और उसके बाद ये भी आपको सेंटर पर एक गाइडलाइन यहाँ पर लेकर आना है। तो आने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर गाइडलाइन आ चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, लोगो डिजाइन करने के लिए आपको कुछ शेप्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखिए टूल बार के अंदर यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको शेप टूल के अंदर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर एक अच्छा से एक शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक शेप्स का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे शेप्स ओपन होकर आएगा। अगर आपके पास ये ढेर सारे शेप्स ओपन होकर नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली ये वाला छोटा सा आइकन के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑल पर आप चाहे तो एनिमल्स एरोज ओनली भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ऑल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एरोज से इस तरीके से आपको बड़ा करना है। आप जितना बड़ा करोगे उतना ही यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप चाहे तो जो भी आपको शेप्स पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला शेप्स यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला शेप्स, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं शिफ्ट होल्ड करते कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद आपको इसको सेंटर पर करना है। तो होम यहाँ पर मूव टूल के अंदर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। कंट्रोल ए यानी कि सेलेक्टर, और यहाँ पर सेंटर और मिडल करना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर और मिडल हो चुका है। कंट्रोल डी करना है, और कंट्रोल टी करते आपको यहाँ पर बड़ा करना है। इस तरीके से आप चाहे तो जितना भी बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टैम्प के लिए दोस्तों या फिर ब्लू कलर होता है या फिर ब्लैक कलर होता है। सिंपली आपको वो दो कलर में आप एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का ब्लू आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए लोगो डिजाइन के लिए, स्टैम्प लोगो डिजाइन के लिए आपको यहाँ पर ब्लू कलर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। मैं फिलहाल के लिए ब्लैक कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लैक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर फिर से इसी शेप्स के अंदर जाकर एलिप्स टूल यहाँ पर लेता हूँ, यानी कि ओवल शेप्स, और यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पर कंट्रोल टी करते हुए इसको यहाँ पर
एडजस्ट करूंगा सेंटर के अंदर, और उसके बाद इसको मैं ये कलर यानी कि ये ब्लैक कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कलर कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इतना ही पार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो उसके बाद इसको कंट्रोल टी करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं बड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, कुछ इस तरीके से, और इसको भी मैं यहाँ पर कंट्रोल है सेंटर मिडल करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसी इलिप्स टूल के अंदर क्लिक करते हैं, आपको फिर से शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रॉ करना है, कंट्रोल टी करते हुए आपको इसको सेंटर पर रखना है इस तरीके से, और कंट्रोल ए फिर से मूव टूल सेंटर अलाइजमेंट मिडल अलाइजमेंट आपको करना है, और कंट्रोल डी कंट्रोल टी थोड़ा सा आपको बड़ा करना है, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसको कलर व्हाइट कलर करूँगा और यहाँ पर मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऐड लेयर स्टाइल के अंदर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं स्ट्रोक करता हूँ ब्लैक, और यहाँ पर 3 का साइज़ देता हूँ दोस्तों स्ट्रोक साइज, आप चाहे तो 4-5 भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं 3 कर रहा हूँ। आप आउटसाइड के अंदर क्लिक करते हुए ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर काम हो चुका है। अब उसके बाद सिंपली आपको इसी को कॉपी करना है, यानी कि कंट्रोल जे प्रेस करना है, डुप्लीकेट होता है दोस्तों लेयर, यहाँ पर देखिए लेयर एक कॉपी हो चुका है। अब आपको कंट्रोल टी करना है और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको आपको इस तरीके से छोटा करना है, आप जितना छोटा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इतना तक यहाँ पर काम हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको इलिप्स टूल ही यूज करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इलिप्स टूल्स, और इस टाइम्स आपको यहाँ पर पाथ्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टूल के अंदर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। आपको फॉन्ट जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए कैलिब्री फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज छोटा करूँगा दोस्तों, मे बी 8 के आसपास कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से टाइप करूँगा स्कूल कॉलेज नेम हियर, आप जो भी आपको स्कूल कॉलेज का नेम है आप टाइप कर लीजिए, कंट्रोल टी करना है, और कंट्रोल टी करने के बाद इस तरीके से आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप शायद इसको कंट्रोल टी प्रेस करते इसको आप एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना आसानी से यहाँ पर हो चुका है। आप चाहे तो इसको कलर वगैरह आपको फॉन्ट वगैरह इस तरीके से टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करते हुए सेलेक्ट करते हुए बोल्ड वगैरह करना है तो आप बोल्ड वगैरह कर सकते हो। आपको यहाँ पर 100 रखना है अलाइनमेंट, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट वगैरह करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस वाले को अंदर यहाँ पर ई के सेंटर होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, इक्वल हो रहा है, और इसको मैं ये वाला को नीचे के ऊपर हटा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा आपको फॉन्ट वगैरह बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हो, मैं इतना ही रखना चाहूँगा। और उसके बाद आपको जो भी एड्रेस वगैरह है आपको इसी टेक्स्ट को ऑल्ट होल्ड करते हुए कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए जो भी आपको एड्रेस वगैरह है, और उसके बाद इसको भी आपको यहाँ पर मैनेज करना है, और कंट्रोल टी करते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल राइट क्लिक करते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल करना है, फ्लिप वर्टिकल, और डबल क्लिक करते इंटर करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रोटेट होकर आ चुका है। कंट्रोल टी करते फ्लिप वर्टिकल करना है दोस्तों, राइट क्लिक करते कंट्रोल टी फ्लिप वर्टिकल, तो इस तरीके से ऊपर होता है, फिर से कंट्रोल टी राइट क्लिक फ्लिप वर्टिकल करने के बाद दोस्तों डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल टी यानी कि टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह छोटा करना है, और आपको जितना फॉन्ट छोटा करोगे उतना ही आपको ये डिज़ाइन देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, कंट्रोल टी करते हुए रोटेट करना है, इस तरीके से मेंटेन करना है। और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर
एडजस्ट वगैरह, टेक्स्ट का एडजस्ट वगैरह करना है आप कर सकते हो। यहाँ से आपको स्पेसिंग वगैरह टेक्स्ट के लिए करना है तो इस तरीके से आप स्पेसिंग वगैरह करते हो, आपको यहाँ पर डिज़ाइन अच्छा दिखा सकते हो। कंट्रोल टी करते हो आपको इस तरीके से रोटेट करते हो, आपको यहाँ पर ऐड करना है कंट्रोल टी, आपको इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है तो भी आप रख सकते हो। एडजस्ट करना है दोस्तों, आसानी से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल टी करते इसको थोड़ा सा और इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद दोस्तों ये सब यहाँ पर गाइडलाइन रिमूव हो जाता है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक इलिप्स टूल लेकर यहाँ पर आपको शेप्स और इसको रिमूव करना है नॉन, और इस तरीके से आपको एक डॉट क्रिएट करना है, इसको आप थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपको यहाँ पर फिल करना है तो यहाँ पर देखिए, और ऑल्ट ऑल्ट करते इसको आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कॉपी हो जाता है, इसको भी आप यहाँ पर मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक लोगो के लिए यहाँ पर बीच में सेंटर पर शेप्स क्रिएट करना है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हुए इसी वाले कस्टम शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर ढेर सारे ट्रायंगल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ये वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ पर आपको ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पाथ्स के अंदर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर करना है, और यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से क्रिएट करना है, और आपको यहाँ पर कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, और उसके बाद आपको एडिट के स्ट्रोक के अंदर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, एडिट के स्ट्रोक के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइज देना है 3 और ओके करना है। तो ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये शेप्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप कंट्रोल टी करते हुए यहाँ पर ऐड करना है, और इसी को कॉपी करना है कंट्रोल जे और कंट्रोल टी, और शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से रोटेट करना है, और आपको यहाँ पर मैनेज करना है, और ये दो लेयर का आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी एडजस्ट करना है सेंटर, आप शायद इस तरीके से इतना तक यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर रखना है, और इसको थोड़ा सा ये दो को आपको सेलेक्ट करते हो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, कंट्रोल टी कर दो ऊपर की तरफ आप पहुँचा है तो रख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह का सिंबल आपको यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर टेक्स्ट यानी कि फॉन्ट सेलेक्ट करना है। फॉन्ट का नाम है दोस्तों विंग डिंग्स, यहाँ पर देखिए विंग डिंग्स का फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंड प्रेस करना है, यानी कि 7 शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करना है, तो यहाँ पर देखिए बुक आ चुका है। इसको आप बोल्ड वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बोल्ड नहीं करूँगा और इसको यहाँ पर सेंटर करूँगा, इस तरीके से रहूँगा। रखने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको ESTD वगैरह टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर फिर से फॉन्ट कैलिब्री ही फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कैलिब्री, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ESTD 2001, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा। फॉन्ट यहाँ पर मैं छोटा करूँगा दोस्तों, मे बी 6 के आसपास करूँगा, और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। और आपको और छोटा भी करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दिक्कत वाली कुछ भी बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर इसको अंडरलाइन वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से स्टैम्प के लिए लोगो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है दोस्तों। आप इसको आप प्रिंट करते हो स्टैम्प के लिए बना सकते हो कितना आसानी से। इसको आप सेव कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस करना है, और आपको यहाँ पर GPG फॉर्मेट पर इसको सेव करना है, तो आप यहाँ से जहाँ पर आपको इसको सेव करना है आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से JPG पर सेव किया दोस्तों डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लोगो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है स्टैम्प के लिए। अब इसी तरीके से फोटोशॉप के अंदर बड़ी आसानी से स्टैम्प के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।